नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी न्यूज़ प्लस 24। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए केंद्रीय कृषि कानून के विरुद्ध प्रदेश की भूपेश सरकार नया कृषि कानून लाने पर आमादा है। इस संदर्भ में आज भूपेश सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सरकार ने विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाए जाने पर विचार किया है। कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि इस विषय पर राज्यपाल को फाइल भेजी गई है। कृषि मंत्री चौबे ने बताया कि सरकार ने 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के संबंध में प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया है। मंत्री चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित जिन 3 कानूनों को लागू किया है वे काले कानून के अंतर्गत आते हैं। इससे प्रदेश के किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों का हक नहीं मारने देगी, इसलिए प्रदेश में अलग से कृषि विधेयक लाया जा रहा है जिससे प्रदेश के किसान को सीधा लाभ मिलेगा। 3 अलग अलग बातें हैं। केंद्र सरकार ने अपने सीमा से परे जाकर के कानून बनाया। एग्रीकल्चर सेक्टर का कानून बनाने का अधिकार संविधान ने हमको दिया हुआ है, राज्य को दिया हुआ है। केंद्र ने उसको एग्रीकल्चर ट्रेडिंग व्यापार का शब्द जोड़ करके कानून बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट तक तो हमारे लोग गए हैं विधि विशेषज्ञों से राय लेकर के। अब छत्तीसगढ़ में हम अपना कानून बनाने जा रहे हैं। महामहिम के यहाँ हम लोगों ने एक नस्ती भेजी है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्पीकर साहब से सिग्नेचर करा करके माननीय महामहिम तक हमने अपनी फाइल भेजी हुई है। और हमारे विभाग का ड्राफ्ट तैयार है, जो प्राइवेट मंडी का बिल है, जो कॉरपोरेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का बिल है, जो श्रम कानून के बिल है, इसके छत्तीसगढ़ में हम इस पे प्रतिकार करते हुए अपना कानून कैसे लाएंगे उसके ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है।